hi guys welcome to the first episode of finance with divyam and throughout the series we are going to learn a lot of stuff about personal finance becoming financially independent if you are between the age of 16 to 25 how you can start to create the wealth which you want to experience in your future by the age of 35 40 and we are also going to learn about mutual funds more about investing in safer places real estate mein invest karke earning kaise hai, bonds and everything Without wasting any time, let's start with the first episode: Investing vs Saving. All right, hi guys. As you know that the topic for to today's video is going to be Investing versus Saving. सबसे पहले हम ये समझते हैं individually कि saving क्या होती है, उसका enemy कौन है, investing क्या होती है, उसका enemy कौन है, and then by the end we'll give a conclusion कि आपको क्या ज़्यादा करना चाहिए. Let's start, guys. First of all, let's talk about savings. What are savings? Savings इज़ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी दैट यू सेट असाइड वो पैसा जो आप साइड कर देते हो सो दैट आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सको द प्रिपरेशन कैन बी फॉर एनी थिंग यू कैन प्रिपेयर फॉर योर जॉब यू कैन प्रिपेयर फॉर योर मैरिज यू कैन प्रिपेयर फॉर योर एजुकेशन यू कैन प्रिपेयर फॉर योर यू कैन प्रिपेयर फॉर द टाइम इन यूर नॉट हैविंग अ जॉब यू कैन प्रिपेयर फॉर बाइंग अ कार यू कैन प्रीपेयर फॉर बाइंग अ फोन यू कैन प्रिपेयर फॉर एनी थिंग

उसका कुछ परसेंटेज बैंक ने आपके अकाउंट में छोड़ा एंड कुछ परसेंटेज बैंक ने दे दिया एज लोन्स तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है इट इज़ जनरली एंड इट इज ऑब्वियसली लेस देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट दे चार्ज फ्रॉम पीपल जिनको वो लोन देती है लेट से वो लोन से कमा रहे हैं लोन दे रहे हैं एट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टेन परसेंट एंड सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट दे रहे हैं थ्री पॉइंट फाइव परसेंट तो ये जो थ्री पॉइंट फाइव परसेंट सेविंग्स अकाउंट पर इंटरेस्ट है वॉट डज दिस मीन इसका मतलब है दैट एवरी ईयर यू विल गेट दिस मच रिटर्न ऑन दिस मच कैपिटल जो भी आपने सेविंग्स uh, अकाउंट में पैसा डाला है उसके बदले आपको इतना रिटर्न मिलेगा लेट्स से यू सेव वन लाख रुपीज इन एन ईयर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आपको उस एक लाख रुपए पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेट से थ्री थाउजेंड थ्री पॉइंट फाइव परसेंट है तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर वन लाख का थ्री पॉइंट फाइव परसेंट विच इज थर्टी फाइव हंड्रेड रुपीज एज इंटरेस्ट अमाउंट मिल जाएगा सो दिस इज हाउ यू अर्न मनी वंस यू पुट इट इन अ सेविंग्स बैंक अकाउंट बट वॉट इफ आई से अब आपको लग रहा होगा यार दिव्यम सर दैट इज वेरी नाइस वी आर सेविंग मनी एज वेल एज वी आर मेकिंग मनी ऑन द सेम टाइम हाउ गुड इज दैट कैन इट बी एनी मोर गुड येस देर इज अ प्रॉब्लम विद दिस वॉट इज द प्रॉब्लम यहां पर आपको दो कंसेप्ट समझने पड़ेंगे इन्फ्लेशन एंड बाइंग पावर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन का मतलब होता है बढ़ना बट इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई एन द प्राइस कीप ऑन राइजिंग ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इसको मेनटेन करने में गवर्नमेंट हेल्प करती है लेट से एक गवर्नमेंट में एग्रीगेट डिमांड यानी कि ओवरऑल कंट्री के अंदर डिमांड जो है दैट इज़ वेरी हाई एंड द सप्लाई इज़ वेरी लो इस सिचुएशन में जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं दैट विल बी वेरी हाई मतलब कोई चीज़ इन एन ईयर कितनी महंगी हो रही है वो इन्फ्लेशन रेट बताएगी क्यों हुआ ये बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई नाउ आई एल एक्सप्लेन यू विद दिस एग्जाम्पल लेट से देर इज समयर इज अ पैकेट ऑफ चिप्स दैट वॉज दैट वॉज वर्थ टेन रुपीज दैट वॉज वर्थ टेन रुपीज इन ट्वेंटी 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 एंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन फाइनेंशियल ईयर के टाइम पे इन्फ्लेशन रेट वॉज सिक्स परसेंट तो बाई द एंड ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड विद द स्टार्ट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू फाइनेंशियल ईयर उस चिप्स के पैकेट की रेट छः परसेंट इक्रीज हो जाएगी दैट इज गोइंग टू भी 106 परसेंट ऐसे महंगाई बढ़ती है एंड इसीलिए प्रोडक्ट्स की प्राइसेस भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाती हैं आप लोगों ने सुना होगा योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स दे यूज टू से कि व्हेन वी यूज टू बी यंग समोसा पचास पैसे का आता था पच्चीस पैसे का आता था एंड नाउ एक समोसा दस रुपये पंद्रह रुपए तक का आता है सो दैट ऑल इज ड्यू टू इन्फ्लेशन नाउ इन्फ्लेशन की वजह से एक सेकेंड आस्पेक्ट गेम में आ जाता है मार्केट में आ जाता है विच इज कॉल्ड बाइंग पावर बाइंग पावर क्या होती है एक कंज्यूमर की खरीदने की क्षमता एक कंज्यूमर के खरीदने की ताकत वॉट्यूमर ,00 इन्फ्लेशन ,00 की वजह से अगले साल इन ट्वेंटी ट्वेंटी की प्राइस वन लाख सिक्स थाउजेंड हो गई तो क्या मैं उस एक लाख रुपए से अगर मैं छह परसेंट से ज्यादा पैसा नहीं कमा रहा विल आई बी एबल टू बाई डैट लैपटॉप नो डैट इज वाई मेरी बाइंग पावर यहाँ पर कम हो गई या मैं बोल सकता हूं कि लैपटॉप एक लाख का रहा लेकिन मेरे एक लाख रुपए की वैल्यू नाइनटी फोर थाउजेंड ही रह गई इसीलिए इन्फ्लेशन की वजह से एक कंज्यूमर की बाइंग पावर कम हो जाती है अब सर हाउ इज इट रिलेटेड टू सेविंग ना एक एग्जाम्पल लेना आपको याद होगा आपका बैंक आपको सेविंगस अकाउंट पे थ्री पॉइंट फाइव परसेंट का इंटरेस्ट दे रहा था उस इंटरेस्ट में वन लाख रुपी पर हाउ मच आर यू अर्निंग एट द एंड ऑफ द इनिंग थ्री से कितनी वैल्यू कम हो गई बाइंग पावर कितनी कम हुई छह हजार थर्टी फाइव हंड्रेड का आपने प्रॉफिट करा सिक्स थाउजेंड का लॉस करा नेट लॉस आपका ट्वेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज का हुआ तो अभी भी आपकी बाइंग पावर कम हुई इट डिड नॉट इज दाई

इन अ गवर्नमेंट बॉन्ड बॉन्ड क्या होता है एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए कंपनी आपको एक बॉन्ड देती है उस बॉन्ड पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिखा हुआ होता है दैट इन दिस दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम हम आपका पैसा लौटा देंगे एंड इस पैसे के बदले हम आपको एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे तो लेट्स यू बाय अ बॉन्ड ऑफ वन लाख रुपीज उस बॉन्ड की रेट ऑफ इंटरेस्ट है टेन परसेंट पर एनम तो यहाँ पर आपने वन लाख रुपीज पर एक साल में कितने रुपए का रिटर्न कमाया टेन थाउजेंड रुपीज का एंड इन्फ्लेशन वॉज अगेन सिक्स परसेंट तो सिक्स थाउजेंड का आपको लॉस हुआ टेन थाउजेंड का प्रॉफिट यू एंडेड अप इन अ नेट प्रॉफिट ऑफ फोर थाउजेंड रुपीज दैट इज़ वाई इन्वेस्टिंग इज मच बेटर देन सेविंग आपको कभी भी सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई यूजअली इट इज़ मैक्स टू मैक्स फाइव परसेंट जब आप एक से दस लाख रुपए के बीच में अकाउंट में पैसा डालते हो इट वैरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक बट यूजुअली यही स्कीम रहती है अगर आप 25 लाख प्लस सेविंग्स अकाउंट में बैलेंस रखते हो देन आपको वो सेवन परसेंट देते हैं अदरवाइज दे गिव मोर देन फाइव परसेंट सो दैट इज वाई इन्वेस्टिंग योर सेव्ड मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ हाउ टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू इन्वेस्ट योर मनी टू इन्वेस्ट योर मनी यू नीड टू डू रिसर्च यू नीड टू डू प्रॉपर मार्केट यू नीड टू हैव प्रॉपर मार्केट अंडरस्टैंडिंग ताकि आप अलग अलग जगह पर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सको नाउ इसके बारे में हम लोग इन फ्यूचर वीडियोज बात करेंगे अभी हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर ट वाई डी एंड कंक्लूजन की इन्वेस्टिंग और सेविंग में से क्या बेटर है एंड इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या टॉक अबाउट वाई एंड हाउ इन्वेस्टमेंट सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कॉमन मैन फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल सिक्योरिटी वेन यू इन्वेस्ट योर मनी एट एनी इन एनी एसेट यू बिकम फाइनेंशियली सिक्योर हाउ लेट्स ए

Uh, you have a small piece of land in the industrial area what you can do is you can go ahead you can talk to the factory people you can talk to the owner of the family you can talk to the industrialist and you can tell them i have this piece of land i will create an infrastructure i will create i will uh, make a building kind of a thing and over there you can use it as your go down to store your goods and for that for every floor you can easily get a good you could easily get a good amount of rent that is how this investment saved you in your financial hardship. That was point one, financial security. Coming to point two, which is financial independence. Once you invest your money and you know how to make passive income from that investment, you become financially independent. You now don't rely on one source of income that is your job or that is your business. If you are having seven investments, I'll name some investments mutual funds, stocks, real estate, gold. then these are ज आर फोर देन लेट्स यू आर consultancy let's say you are having any kind of other business your major business तो so, यहाँ पर ये सात सोर्स ऑफ इनकम में से वन अगर चली भी गई तो ये रिमेनिंग सिक्स दे विल कंटिन्यू टू गिव यू सम अमाउंट ऑफ मनी स्टार्टिंग विथ स्टॉक्स इफ यू आर इन्वेस्टेड इन अ कंपनी विच हैज अ गुड रिकॉर्ड ऑफ गिविंग आउट डिविडेंड्स लेट्स से देर इज अ कंपनी देट गिवस डिविडेंट्स एवरी ईयर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स नॉट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को हर साल नियम से विथ बाय लॉ दे आर गिविंग डिविडेंड तो दैट बिकम्स योर सोर्स ऑफ इनकम देन कमिंग टू म्यूचुअल फंड्स अगर आपके म्यूचुअल फंड्स काफी अच्छे ग्रोथ काफी अच्छा रिटर्न आपको दे रहे हैं तो यू कैन कीप ऑन सेलिंग ऑफ सम यूनिट्स लेट से आपने एक लाख रुपए इन्वेस्ट करे एक लाख रुपए से आपको एक लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया एंड एक लाख रुपए आपने उसमें से विद्रॉ कर लिए एक लाख रुपए आपने इन्वेस्टेड छोड़ दिए दैट इज हाउ यू कैन इजीली कीप ऑन विड्रॉइंग एंड इन्वेस्टिंग विद्रॉइंग एंड इन्वेस्टिंग योर मनी म्यूचुअल फंड सेकेंड थिंग वॉट यू कैन डू इज यू कैन आपने गोल्ड लिया हुआ है सो यू कैन प्लेज योर गोल्ड यू कैन गिव योर गोल्ड आपको कोई सामान खरीदें लेट्स यू वॉन्ट टू बाई एन एसेट आपको कोई यू वॉन्ट टू बाय अनादर पीस ऑफ लैंड आपके पास टेन लाख वर्थ ऑफ गोल्ड पड़ा है यू गो अड इंस्टेड ऑफ सेलिंग दैट गोल्ड गिव दैट गोल्ड आज कोलिटरल टू द बैंक लोन ऑफ टेन लाख रुपीज बाय का रियल स्टेट पर यू कैन इनवेस्टल दियाट यू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वंस यू इनवेस्ट योर मनी इन एसेट दर्ड पॉइंट इज वेल्थ क्रिएशन इफ यू वॉन्ट टू अचीव यूर अचीव द लाइव लाइफ स्टाइल दैट यू ऑलवेज ड्रेमड ऑफ

एजुकेशन है उसके पैसे आपका इन्वेस्टमेंट पे कर रहा है उनकी जो मैरिज है उनकी जो नीड्स हैं वॉट एवर दे वॉन्ट दैट इन्वेस्टमेंट इज़ पेइंग फॉर यू सो यू कैन अचीव योर पर्सनल गोल एज वेल एज यू कैन अचीव योर कलेक्टिव गोल्स विद योर फैमिली एंड विदसाइटी यू कैन बिकम यू कैन बिकम अ फिलंथ्रोफिस्ट एज वेल आप थोड़ा डोनेशन भी कर सकते हो इफ यूर इफ यूर वेल्दी सो इट हेल्प्स इन अचीविंग योर गोल्स एज वेल ऑल टाइप्स ऑफ गोल्स दैट वॉज इट अबाउट सेविंग वर्सेज इन्वेस्टिंग एंड दैट इज वाई यू शुड फोकस मोर ऑन इन्वेस्टिंग एंड लेस ऑन सेविंग सेविंग इज द फर्स्ट स्टेप फोकस लेस ऑन सेविंग मीन्स कि सेविंग पैसे को बचाने से बढ़िया उसको इन्वेस्ट करो पैसे को रखे रखे जंग मत खाने दो डोंट लेट इट ड्राई ऑफ इन्वेस्टेड एट अ प्लेस वेर इट कैन योर मनी इज योर स्लेव इफ यू आर नॉट पुटिंग योर स्लेव एंड टू वर्क इट्स जस्ट अ वेस्ट उस पैसे को इन्वेस्ट करो वो स्लेव आपके लिए और काम करेगा और स्लेव के बच्चे उसके उस इन्वेस्टमेंट उस से जो रिटर्न है उसको भी वापस इन्वेस्ट करो स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल क्रिएट अ लॉट ऑफ वेल्थ ऑलरेडी गाइज दैट वॉज इट अबाउट दिस वीडियो एंड आई प्रोमिस यू दैट इन द फ्यूचर आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ पर्सनल फाइनेंस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोज इन दिस सीरीज सो इफ यूर अ न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेक केयर दिस इज